होगा कि जो समाज को 75 साल से गुलाम बनाकर रखे वो व्यक्ति वो समाज कैसे मालिक बन रहा है। आज इस समाज को फिर से गुलाम बनाना है, इसलिए हमारी पार्टी को तो दिया गया, विधायक को खरीद लिया गया और कुछ पोलिटिकल पार्टी के नेता वो अपने आप को मान रहा था कि हम बहुत बड़ा है, जबकि वो पार्टी को एक वोट नहीं दिला सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को बड़ा मुख्यमंत्री का दावेदार बनने लगे और उनको लगा कि हम बिहार में बहुत कुछ कर सकते हैं और उन्होंने उनके षड्यंत्र से हमारे पार्टी को तोड़ा गया, दिल्ली में गलत तरीके से कन्वेंस किया गया कि बिहार की राजनीति में हम कह सकते हैं कि उनके सीबीआई पे ज्यादा टिप्पणी करना उचित भी नहीं है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जो हो रहा वो गलत हो रहा है। सरकारी संस्थान को कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपना वर्कर समझ के उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है? ये तो निश्चित तौर पर आप जो सवाल कर रहे हैं वो सही है कि पूरे भारत में जिस तरीके से बिहार में राजनीति होता है उस तरीके से पूरे भारत में नहीं होता है। अगर एक दशक की अगर बात कर रहे हैं 2012 से लेकर 2022 की बात कर रहे हैं, एक दशक में बिहार की राजनीति में जो उत्तर प्रदेश हुआ, जिस तरीके से राजनीति हुआ, पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ। और हमने भारत के बड़े नेता जिसको आप लोग कहते हैं कि चाणक्य है, उनके मुंह से हमने सुना, वो अपने बड़े नेता को कहा कि अगर राजनीति सीखना है तो बिहार के नेता साहब सीखो, क्योंकि बिहार में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो निश्चित तौर पर बिहार में बहुत उथल पुथल हुआ और भविष्य में भी इसी तरीके से होते रहेगा, क्योंकि एक बिहार में जो लोग लड़ रहे हैं वो कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बिहार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं कि बिहार में लोगों का कल्याण हो, बिहार के गरीबी किसान का कल्याण हो, बिहार में युवा को रोजगार मिले, बिहार के बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए बेहतर सुविधा मिल सके, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो सिर्फ अपने कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और खास करके 2012-13 के बाद लगातार आपको देखने के लिए मिलना कि लोग अब कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना ही कि बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें अभी आने वाले समय में बदलाव होना है और हम लोग उसमें लड़ाई में आगे बढ़ेंगे कि बिहार युवा प्रदेश है और बिहार के युवा को बिहार में रोजगार मिले, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हर जाति हर वर्ग को मान सम्मान अधिकार मिले उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सभी को पता है कि मैं खास करके निषाद समुदाय के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बंगाल में निषाद में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार में नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़कर और पार्टी बनाया। पार्टी बनाने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से हमने निषाद समाज को हक अधिकार की बात कर रहा था, उनको आवाज उठा रहा था, तो आज उस पार्टी को दर्द हुआ कि जो समाज को 75 साल से गुलाम बनाकर रखे वो व्यक्ति वो समाज कैसे मालिक बन रहा है। आज इस समाज को फिर से गुलाम बनाना है, इसलिए हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया, विधायक को खरीद लिया गया, हमारे सीट पे जबरदस्ती कैंडिडेट दे दिया, हमें मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दिया। जो सरकार हमने बनाया उस सरकार में से हमें बाहर कर दिया गया। ये ऑप्शन हमारे पास भी था कि हम सरकार नहीं बनाते, समर्थन नहीं देते, लेकिन हम निषाद का बेटा ईमानदार है, जुबान के पक्के होते हैं, हमने मजबूती से उनको साथ दिया। हमने लालू जी की बात नहीं माना, लेकिन उन्होंने हमारे साथ क्या किया, पीठ पे खंजर घोंपने का काम किया। तो आज हम गरीब समाज है, पिछड़े समाज है, हमारे पूर्वज के साथ, हमारे लोगों के साथ हजारों सालों से इसी तरीके से लोग कुछ लोग जो है हमारे समाज को, हमारे लोगों को गुमराह किया और हमारे लोगों को गुलामी की जंजीर बांध के रखा था। आज उसको हम लोग तोड़ के हम लोग बाहर आए हैं और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा कि गोछा में हमने चुनाव लड़ा, अकेले अपने दम पर हमने 30,000 वोट लाया, 18% वोट हमारे पास आया। वहीं पे एनडीए ने पूरे शक्ति लगा दिया और पूरे बिहार के नेता को एक विधानसभा में उतारने के बाद भी वो 27% वोट यानी कि 45,000 वोट लाया और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने अकेले अपने दम पे लाया। तो हमारी ताकत दिनों दिन बढ़ रहा है। आज बिहार में निषाद समाज जो है बीजेपी पार्टी का वोटर ही नहीं है, एक मजबूत कार्यकर्ता है। अति पिछड़ा में हर जाति धर्म में लोग बीजेपी पार्टी को मानने लगे हैं। ऐसे तो हमारी पोलिंग कैपेसिटी सिर्फ 8 से 10% का है, लेकिन हमारे पास 18% वोट आ रहा है। तो ये मान सकते हैं कि हमारे पास मजबूती से हर जाति वर्ग के लोग, खास करके अति पिछड़ा समाज के लोग मजबूती से जुड़ रहे हैं। कर्पूर ठाकुर जी को सपना को साकार करने के लिए मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। तो आज हमें खुशी है और इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2024 का और 2025 की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए खास करके आज उजियारपुर लोकसभा, समस्तीपुर लोकसभा, वैशाली लोकसभा से विधानसभा लोकसभा के क्षेत्र के लिए ये कार्यालय का उद्घाटन किया गया। 3 लोकसभा क्षेत्र यहाँ से मॉनिटरिंग होगा और यहाँ से तैयारी होगा। और कुछ पोलिटिकल पार्टी के नेता वो अपने आप को मान रहा था कि हम बहुत बड़ा है, जबकि वो पार्टी को एक वोट नहीं दिला सकते, लेकिन वो अपने आप को बड़ा मुख्यमंत्री का दावेदार बने
सामने लगे और उनको लगा कि हम बिहार में बहुत कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने उनके षड्यंत्र से हमारे पार्टी को तोड़ा गया, दिल्ली में गलत तरीके से कन्वेंस किया गया। ऐसे नेता को 2024 में हम बताएंगे जो लोग नेता निषाद समाज का सपना को अपने पैरों तले कुचला है, उस नेता को 2024 में निषाद समाज अपने पैरों तले कुचलने का काम करेगा। इसके लिए आज मजबूती से आज हम लोग उजियारपुर लोकसभा में क्षेत्र में हम कार्यालय का उद्घाटन किए, और मजबूती से हम लोग पार्टी को विस्तार करके मजबूती से यहाँ पे तैयारी करेंगे, और हर हाल में उजियारपुर लोकसभा सीट पर वीआईपी पार्टी का दावेदारी होगा, वहाँ पे वीआईपी पार्टी का कैंडिडेट होगा, चुनाव लड़ेगा। 24 का जो चुनाव है वो अकेले होगा या फिर एक गठबंधन के साथ होगा? देखिए, बिहार में निश्चित तौर पे गठबंधन की राजनीति होता है, 2024 के समय में सोचा जाएगा, और जिनके साथ भी गठबंधन होगा वो 24 और 25 का एक साथ में गठबंधन होगा, और हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लोग हमारे पास आएंगे, जिनको सत्ता में आना है, जिनको चुनाव जीतना है, वो हमारे साथ दोस्ती करेंगे, और चुनाव हारना है तो स्वतंत्र है, वो कहीं पे भी रहकर चुनाव हार सकते हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए है, तो हम अकेले अपने दम पे अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है। और निश्चित तौर पर सामान्य विचारधारा वाले लोग होंगे, निषाद समाज को आगे पहुंचाने की बात करेंगे, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के साथ हम लोग गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग अगले साल नवंबर में डिसीजन लेंगे। अभी तो हम पूरे बिहार में संगठन पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। आपने 6 लोग का टारगेट किया है, बिहार में 6 नेताओं को टारगेट किया है जो आपकी राजनीतिक हत्या के लिए जिम्मेदार है, उसको कैसे बदला जुटाएंगे? वो आने वाले समय में 6 का टारगेट किया जा रहा है धीरे धीरे, और उस समय आएगा तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा, और सब लोगों को जिस तरीके से निषाद समाज को जिस तरीके से करियर को खत्म किया, उनके सपना को चकनाचूर किया, तो ऐसे नेता को भी हम लोग आने वाले समय में बताएंगे कि आपने जो किया गलत किया, उसका उसको दंड मिलेगा। सीबीआई का निश्चित तौर पे आप देखिएगा तो इसी तरीके से है, और उसी तरीके से तैयारी किया जा रहा है। सीबीआई का जो लगातार छापा लालू जी पर पड़ रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये बिहार की राजनीति में हम कह सकते हैं कि ये सीबीआई पे ज्यादा टिप्पणी करना उचित भी नहीं है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जो हो रहा वो गलत हो रहा है। सरकारी संस्थान को कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपना वर्कर समझ के उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप 17 साल पुराना केस को लेकर अभी जांच कर रहे हैं और अभी फाइल ढूंढ रहे हैं, आप बताइए 17 साल तक वो फाइल वहां पर रहेगा? ये बिहार की राजनीति में एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, और ये किसी के सामने चलने वाला नहीं है, और जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सीबीआई के पास पुराना स्टेटमेंट है, पुरानी चीजें हैं, उनके आधार पर उनको काम करना चाहिए, ना ही कि 17 साल के बाद लोगों को गलत तरीके से गुमराह करना चाहिए। और खैर, सीबीआई जो कर रहे हैं वो अपने अनुकूल उचित कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, ये पूरे बिहार की जनता देख रही है। एनडीए के एक मजबूत पार्ट के रूप में आप थे, आने वाले समय में क्या एनडीए भाजपा और जदयू में भी कोई मतभेद होने वाला है क्या? जब अगर आप चाय पियेंगे मुंह पक जाए ना, तो ठंडा चीज भी आपको उसको कुक कुक के पीना चाहिए, और आपने तो देखा कि निषाद समाज का सपना को किस तरीके से चूर चूर किया है, तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए हम बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे। अभी तो हम अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, और बिहार की राजनीति है, राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, और हमारे साथ तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी सभी ने गलत किया अपने अपने समय पर, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है, बिहार के युवा को आगे बढ़ाना है, बिहार के किसान को आगे बढ़ाना है, बिहारी के लिए काम करना है, और उस काम में अगर हमें लगेगा कि हमें अपने लड़ाई को अंजाम देने के लिए इसके साथ जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन हम अभी अपने संगठन और पार्टी को मजबूत करेंगे। चुनाव किसके साथ लड़ना है ये 2023 में नवंबर में जाकर डिसीजन लेंगे।